हे यू व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग। और आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं मूनक्राफ्ट यार। और आज का इंट्रो मेरे घोड़े के साथ है, मेरे घोड़े पे। तो गाइस ओह शिट, ये क्या लगा आग लगी। अरे अरे इधर उधर 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 गाइस, मेरे घोड़े को आग लगी। लेकिन ऐसा हम लोग को कुछ नहीं होता है यार, क्योंकि हम लोग आग से खेलते हैं गाइस। डायमंड का आर्मर उसने भी पहना है, मैंने भी पहना है गाइस। और ऐसा होता रहता है यार, हम लोग जोश जोश में इधर उधर चले जाते हैं यार, कुछ भी कह सकते हो तुम लोग यार। तो मेरे घोड़े को यार थोड़ा पहले खाना खिला देते हैं, मर ना जाए। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि यार आग से तो हम लोग खेलते ही रहते हैं यार। तो ये मैंने नया घोड़ा पाला है यार कल यार, तो इसकी स्पीड काफ़ी दमदार है। वो इसकी स्पीड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यार। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं यार स्टेयर्स, अपने मतलब पाथवे टाइप का बनाने वाले हैं यार अपने स्टैचू के पास। तो स्पीड देख रहे हो मेरे घोड़े की, क्या दन दना के भाग रहा है। तो गाइस आज हम लोग स्टैचू बनाने वाले हैं, और जो रास्ता रहेगा वो रास्ता वहाँ से रहेगा यार। तो काफ़ी तगड़ा हम लोग रास्ता बनाने वाले हैं वहाँ पर। तो हम लोग के स्टैचू के आसपास जो है यार काफ़ी खाली सा लग रहा था यार, तो वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा है कि वहाँ पर हम लोग चढ़ने के लिए एक स्टेयर्स बना देते हैं तगड़ा, ताकि यार अच्छा सा लुक आए यार। तो हम लोग इस पूरे माउंटेन में स्टेयर्स लगाने वाले हैं यार ऊपर तक। और कुछ इस जगह है ना ये सामने, यहाँ से हम लोग स्टेयर्स लगाएंगे यार। तो यहाँ से तो मेरा घोड़ा नहीं चढ़ पाएगा, साइड से निकलता हूँ मैं, फिर से आग में ना घुस जाए। तो यहाँ से हम लोग स्टेयर्स बनाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से और आगे तक जाएंगे, वो भाई गिर ना जाए। तो यहाँ से हम लोग और आगे जाएंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा यहाँ तक ऊपर तक। तो यहाँ पर हम लोग स्टेयर्स बनाने वाले हैं यार, तो मज़ा आएगा काफ़ी यार। और स्टेयर्स के आगे भी कुछ प्लान है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो स्टेयर्स बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए बहुत सारे स्टोन यार, और स्टोन को वो करने के लिए हमको चाहिए कोबल स्टोन, और कोबल स्टोन को हम लोगों को स्मेल्ट करने के लिए चाहिए हम लोगों को सुपर स्मेल्टिंग मशीन। तो हम लोग सबसे पहले बनाने वाले हैं सुपर स्मेल्टिंग मशीन यार। तो चलो सबसे पहले सुपर स्मेल्टिंग मशीन बनाते हैं यार। और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक तुम लोग को दे दिया है, हाँ मैं इंस्टाग्राम पर आ गया हूँ गाइस। तो फटाफट इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, और मैंने उसमें अपना फेस रिवील कर दिया है, तो वहाँ पर जाके मेरा फेस भी देख लेना तुम लोग। और मेरे फोटो के नीचे एक कमेंट भी कर देना यार, और अच्छा सा कमेंट करना यार, ताकि मैं तुम लोगों को फिर वो कर सकूँ, टैग एक कर सकूँ। तो चलो यार घोड़े को यहाँ पर बिठा देते हैं, और वापस चलते हैं अपन अपना सुपर स्मेल्टिंग मशीन बनाने। तो चलो चलते हैं स्मेल्टिंग मशीन बनाने। तो गाइस सुपर स्मेल्टिंग मशीन बनाने के लिए मुझे आयरन की जरूरत पड़ेगी यार, क्योंकि हॉपर वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हॉपर बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। इसलिए मैं 13 आयरन के ब्लॉक लाया हूँ यार, शायद इससे कंप्लीट हो जाए। तो चलो यार फटाफट सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ। मुझे बनाना है यार बहुत सारे हॉपर बनाने हैं, बहुत सारे फर्नेस बनाने हैं, और कुछ चेस्ट वगैरह बनाने हैं। तो फटाफट मैं ये सब बना लेता हूँ, उसके बाद मैं अंडरग्राउंड हम लोग बनाएंगे यार ये चीज़। तो फिर चलते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा मैं फटाफट ये सारी चीज़ें बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने प्रीटी मच सारा सामान ले लिया है यार, और ये थोड़े मेरे को फर्नेस बनाने थे, देख लेते हैं कितने बनेंगे। 12 बहुत हैं गाइस, 12 फर्नेस तो बहुत होंगे। तो चलो चलते हैं अंडरग्राउंड गाइस। तुम लोग को पता है यार सेकंड या थर्ड एपिसोड में ये एलिवेटर बनाया था मैंने, तो मैं भी बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ यार इधर यार। तो चलो देखते हैं, शिट पड़ता जरूरी एक बार यहाँ से। तो ये मेरा माइनिंग एरिया था यार, और वो मेरा नेदर वाला था, वो काम नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोग बनाने चालू करते हैं यार, और तुम लोग तब तक टाइम लैप एंजॉय करो। Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. तो मैंने रूम का काम कर लिया है गाइस पूरा, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। लेकिन मुझे थोड़ा कोबलस्टोन की स्टेयर्स बनाने दो सबसे पहले यहाँ लगाने के लिए। हाँ यहाँ लगाने के लिए मुझे स्टेयर्स लगाने बनाने दो, थोड़े 4 काफ़ी रहेंगे यार। तो यहाँ पर मैं तुम लोग को जगह दिखाता हूँ एक मिनट, मैंने पूरा खाली कर लिया है ये। और नीचे मुझे केव में मिली थी, वो केव भी मैं तुम लोग को बाद में दिखाऊँगा। तो फिलहाल तो यार थोड़ा सा इसमें थोड़ा साइड से और लगा के देखते हैं कैसा लगेगा, एक इस साइड से और एक इस साइड से लगा के देखते हैं। अरे यार फिर गलत लग गया साला, रुको इसको खोदता हूँ, फिर मैं तुम्हें को दिखाता हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। तो यहाँ लग जहाँ से ही लग गया। तो ये है यार यहाँ से, ये बाहर से रास्ता है, और यहाँ से अंदर आके कुछ इस तरीके का है। तो आज रूम तो कंप्लीट हो गया है, और चलो अब स्मेल्टिंग मशीन बनाते हैं। यहाँ नहीं ज़्यादा पीछे हो गया, आगे लगाना है, पीछे वाले को हटा देते हैं। तो रूम बन गया है, और फटाफट से मैं ये स्मेल्टिंग मशीन वाला भी तुम लोग को कंप्लीट करके बताता हूँ। मैं वही फिर से टाइम लैप दिखा के बोर्ड नहीं करना चाहता यार, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें यार, बच्चा भी बना लेगा। तो चलो बनाता हूँ मैं। तो गाइस मैंने वो कंप्लीट कर लिया यार स्मेल्टिंग मशीन, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसा क्या है। चलो चलते हैं, अरे लगती जरूर है यार। तो ये स्मेल्टिंग मशीन यहाँ पर देख लो, मैंने ऊपर कोबल स्टोन डाले थे, और देखो 4 स्टैक ऑलमोस्ट होने वाले हैं अपने यहाँ पर। तो काफ़ी तगड़े तरीके से वर्क करता है यार गाइस, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ऊपर आप लोगों को स्टोन डालना रहता है, और नीचे पूरे फर्नेंसों में इकट्ठा वो सब भेजता है ना वो माइनक्राफ्ट। अभी उल्टे में क्यों घुस रहा हूँ मैं,
तो इकट्ठा वो सब में भेजता है ना यार, तो बहुत जल्दी जल्दी स्मेल्ट होने लग जाते हैं यार। तो मैंने 4 स्टैक कर लिए हैं और अभी भी उसमें हो रहा है, अगर मुझे और जरूरत पड़ेगी तो और मैं ले आऊँगा यार। और फटाफट चलो यार अपना मेन काम चालू करते हैं जिसके लिए वीडियो बनी थी यार, पाथवे बनाना चालू करते हैं अपन। तो गाइस मैं सल्कर में सारा सामान भर के ले आया हूँ यार, और चलो फटाफट स्टेयर्स पाथवे बनाना चालू करते हैं यार। और तो इस जगह से हम लोग बनाने वाले हैं यार पाथवे, और काफ़ी सही लगेगा। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कैसे बनाना है। और ये मेरा सल्कर, इसमें मैंने सारे सामान रख दिए हैं और बाकी के स्मेल्ट हो रहा है, कुछ स्टैक इसमें पड़े हैं। तो चलो बनाना चालू करते हैं यार। तो 1, 2, 3 और एक चार लगा देते हैं, 4। तो 4 का ठीक लगेगा, चलो लगा के देख लेते हैं, लगा के देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर एक और ये स्टोन ब्रिक, तो इस तरीके का बनाने वाले नहीं गाइस, 4 का ज़्यादा बड़ा लग रहा है। 3 का करते हैं, 3 स्टेयर्स का, और इसको हटा के देखते हैं। हाँ मतलब सही लग रहा है वैसे, हाँ गाइस 3 का सही लग रहा है। तो 3 का मैं ऐसे स्टेयर्स बनाने वाला हूँ पूरे में। तो इस तरीके का मुझे एक स्टेयर्स लगाना है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। और इसके साइड में 2 लगाने कुछ इस तरीके से, और इसके बाद साइड में मुझे लगा देना है स्टोन ब्रिक। तो इस तरीके का कुछ मैं पाथ यहाँ पर बनाने वाला हूँ यार, और थोड़ा एक बार और तुम लोगों को आगे तक लगा के दिखा देता हूँ। और बीच में जहाँ गैप है यार, वहाँ पर मैं डर्ट लगाने वाला हूँ। और देखते हैं यार, मेरे पास अभी एक स्टैक डर्ट है, तो बाद में मैं और ले आऊँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डर्ट लगाने के बाद मैं आगे का काम करूँगा वापस। वैसे ही मेरे को बस यहाँ पर लैडर लगाने हैं, स्टेयर्स लगाने हैं, और स्टेयर्स के बाद मुझे साइड साइड में लगा देने हैं अपने स्टोन ब्रिक। तो इस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ यार, तो टाइम लैप्स एंजॉय करो यार, मैं इसे पूरे को बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें। तो गाइस पूरे 2 घंटे यार, सुबह से लगा था मैं, तो पूरे 2 घंटे करने के बाद ये फाइनली कंप्लीट हो गया यार। तो चलो मैं तुम लोग को नीचे से दिखाता हूँ पूरा, और काफ़ी ओपी लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था यार कितना अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें अभी और वर्क बाकी है, तो वो भी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो नीचे से देख लो यार, ये मेरी स्टोरेज, मतलब वो वहाँ से ऐसा दिखता है ये। तो यहाँ से आप लोग ऊपर जाओगे, तो मैंने इसको अपने जो एन्चेंटमेंट रूम है उसी के बगल में बनाया है। तो यहाँ से आप लोग पीछे जाते जाओगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों को मुड़ जाना है इस डायरेक्शन में, और ये बीच का रास्ता मैं कंप्लीट कर लूँगा यार। मैं सोच रहा हूँ इसको गोल बनाऊँ या उसी चौकुटा बनाऊँ यार, तो मैं इसको सोच रहा हूँ भी। और यहाँ से ऊपर जाते जाओगे तो इस तरीके का रास्ता है यार, ये पहाड़ में से होके जाता है। और मुझे यार इसमें और अभी वर्क करना है यार, तो वो भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि मुझे और क्या वर्क करना है इसमें यार। तो इस तरीके से तुम लोग जाते जाओगे और तुम लोग ऊपर आ जाओगे यार। तो फाइनली तुम लोग पहुंच जाओगे यार यहाँ पर स्टैचू के पास। तो तुम लोग मुझे बताना यार स्टैचू के पास मैं और क्या क्या कर सकता हूँ ताकि ये और ओपी लगे यार, तो मुझे जरूर बताना यार। तो ये विलेजर का स्टैचू है यार, और आज के दिन सिर्फ इतना ही। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो यार, बहुत काम किया आज अपन ने यार। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया यार, तो फटाफट जाकर फॉलो करो, लाइक करो, वहाँ जो करना है वो करो, वहाँ मैं ज़्यादा ऑनलाइन रहता हूँ यार। और डिस्कॉर्ड का भी लिंक मिल जाएगा यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी बूम बाम वाली वीडियो में यार। तब तक के लिए बाय बाय।